हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप HDFC बैंक में जीरो बैलेंस से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो मेरे दोस्त जीरो बैलेंस से अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, फिर आप ये बोलोगे कि आपने गलत बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो नेट बैंकिंग होगा, HDFC बैंक से रिलेटेड। तो आशा करता हूँ ये सब वीडियो आपको पसंद आएंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। जैसे हम क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। मैं नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से HDFC बैंक की साइट पर विजिट कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र जाने के बाद तीन डॉट पर आपको डेस्कटॉप साइट ओके करना होगा, तो कंप्यूटर की तरह वर्क करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले इसमें फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स का मतलब होता है कि इसमें फ्यूचर्स आपको बहुत सारे अच्छे मिलते हैं, जैसे कि फ्री पासबुक मिल जाएगा, था 1 रुपये डेबिट कार्ड ATM कार्ड मिल जाता है और साथ में ब्रांच मिल जाती है। उसके बाद एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है, इसमें आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ आपको अकाउंट में करने को मिल जाता है। साथ साथ इसमें ये है कि अगर आपने पहले अगर अकाउंट ओपन करा रखा तो आप नहीं करा सकते, अगर नहीं करवाया तो आप इसमें ओपन करा सकते हैं। फीस एंड चार्ज की बात करें तो आप इसमें फीस पे ओके करके क्लिक करके जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एंड सैलरी इफेक्टिव, तो यहाँ पे मिनिमम जो बैलेंस एवरेज वो नील है और चार्ज एप्लीकेशन वो एन ए मतलब मेंटेन करना जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फ्री 25 पेपर का मतलब एक पासबुक मिल जाता है आपको, और उसके बाद आप डुप्लीकेट अगर मंगवाना चाहते हो तो 75 रुपये का मिलेगा आपको। उसके बाद सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हो तो आपको 100 रुपये भी पड़ेगी, और फ़ोन बैंकिंग चलाना चाहते हो 75 रुपये का। कुछ इसी तरीके से आप एक बार इस को सभी को रीड कर लें, अपनी आवश्यकता अनुसार आप इस तरीके से बहुत सारी आपको सुविधाएँ मिल जाती हैं, एक बार रीड ज़रूर कर लें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स का कहना है, अगर डॉक्यूमेंट्स पर ओपते हैं तो डॉक्यूमेंट्स इसमें आप पैन कार्ड और आधार कार्ड से ही आप शुरू कर सकते हो। तो चलिए प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ओपन इंस्टेंटली, तो यहाँ पे ओपन इंस्टेंटली पे ओके करते हैं। इंस्टेंटली पे ओके करने के बाद ओपन इंस्टेंटली थोड़ा वेट करें। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे अपना एक नंबर डालना है ऊपर की तरफ में। नंबर डालने के बाद में आपको कैप्चर फिल करना होगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कैप्चर फिल करते हैं छोटा m, और उसके बाद में 69 बड़ा d 9 बड़ा e, यहाँ पे कंडीशन को एग्री कर लें और प्रोसीड पे ओके कर दें। ओके करने के बाद में आपके पास एक OTP आता है, तो आपको OTP लगाना पड़ेगा। तो OTP आ गया है, तो OTP को हम यहाँ से देख नहीं जाते, हम फ़ोन में चले जाते हैं अपने मैसेज में, तो वहाँ से हम देख लेते हैं 90 92 90 42, तो यहाँ पे हम दोबारा से लगा देते हैं। बान में 90 42 और प्रोसीड पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा कि आप KYC का डॉक्यूमेंट्स कौन सा चूज करना चाहते हो, तो आधार पर टिक करते हैं, प्रोसीड पे ओके करते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, कंडीशन को एग्री करते हैं। एग्री करने के बाद में आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, यहाँ पे आप शो पे कर लें, एक बार आपको दिखने लग जाएगा पूरा कंटिन्यू आपका नंबर। प्रोसीड पे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं,
दो ऑप्शन का मतलब ये कि यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाते हैं कि आप आधार कार्ड एक OTP से करना चाहते हो, वेरिफिकेशन या फिर स्कैन करके QR कोड से। तो मैं करता हूँ रिकमेंड कि आप आधार कार्ड का OTP रिकमेंड करता हूँ, OTP पे हेल्प करें। अब OTP चला गया है एक, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड सेंड कर देते हैं जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर एक OTP चली जाती है, तो हम OTP लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है 40 29 25 29 25 और प्रोसीड पे ओके कर देते हैं। तो KYC बता रहा है गलत है, तो हम इसको दोबारा से लगा देते हैं। चालीस उनतीस पच्चीस प्रोसीड पे ओके कर देते हैं। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हम दोबारा से इसमें जाकर चेक कर सकते हैं। 40 29 25 OTP तो यही है, बाकी मान क्यों नहीं रहा इसका ये नहीं पता है। चालीस उनतीस पच्चीस प्रोसीड पे ओके करते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, प्लीज़ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे कंडीशन को टिक करना होगा और प्रोसीड पे ओके करना होगा। चुम नहीं करा और मैंने देखा नहीं। उसके बाद में आप अकाउंट को टाइप कर लें जो आप ओपन करना चाहते हैं, सेविंग। सेविंग के बाद इसमें नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप ऊपर वाला सेविंग रेगुलर अकाउंट चूज कर लें। उसके बाद आप ब्राउन चूज कर लें, आप कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू ओके कर देते हैं। कंटिन्यू ओके करने के बाद में आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर आप कैमरा का ऑप्शन आएगा वहाँ पे ओपन करके, यहाँ पे कुछ लिखा आएगा इम्पोर्टेंस, उसको रीड कर लें अगर करना चाहें तो। आप यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोटो अपलोड कर दें अपना। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में अपलोड कर दें, उसके बाद इस यहाँ पे एक जीमेल का ऑप्शन आता है, आप जीमेल डाल दें अपनी, थोड़ा जूम कर लें जिससे आपको बराबर दिखता रहे। उसके बाद में आप पिताजी का नाम डाल दें, थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे माताजी का नाम डाल दें अपनी और जूम कर लेते हैं। और यहाँ पे पैन नंबर डाल दें नीचे की तरफ, फिर थोड़ा जूम कर लें और यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करके पैन कार्ड का फ़ोटो सिलेक्ट कर लें। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसका फ़ोटो भी खींच सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप फिर अपलोड कर देते हैं। वैलिड हो गया, यहाँ पे लिखा ग्रीन टिक हो गया है और ये सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ पे प्रोसीड पे ओके कर दें। ओके करने के बाद में यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है कि आपने अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की, आपने कुछ छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें मैरिटल को अनमैरिड, प्रोसीड पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद में थोड़ा ही टाइम लगेगा क्योंकि नेट अच्छा चल रहा है। कुछ देर वेट करना पड़ेगा, ये पॉपस शुरू हो रहा है पॉप सा। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज खुल जाता है, नेक्स्ट पेज में आपको लिखना क्या होगा, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है, परमानेंट एड्रेस। एड्रेस पे आपको करना क्या होगा, ऊपर का सिलेक्ट करके खुद का मकान है यहाँ पे तो ये कर दें। उसके बाद में यहाँ पे मेलिंग और पे टिक कर दें, और दोनों पे परमानेंट क्योंकि आपका सेम एड्रेस है, क्योंकि मेलिंग और परमानेंट, परमानेंट और मेलिंग ये सेम है, तो दोनों पे टिक कर दें, कंफर्म
कंटिन्यू पे ओके कर दें। कंटिन्यू पे ओके करने के बाद आपका ऑक्यूपेशन मतलब आप काम क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं। नीचे आप इनकम कहाँ से आती है आपकी, एग्रीकल्चर। कंटिन्यू पे ओके कर दें। आपकी इनकम कितनी है, कंटिन्यू कर दें। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स में मतलब केवाईसी के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या कौन सा आधार डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हो। तो आप नीचे आइडेंटिटी एंड आईडी प्रूफ दोनों के लिए हम आधार कार्ड को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आप एक ही प्रूफ नहीं फिर आपको दूसरा अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों को ही चूज़ कर लेते हैं ऑप्शन को। नीचे वाला आईडी एंड एड्रेस प्रूफ दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे आपको एक ऊपर की तरफ नॉमिनेशन नाम आता है, नॉमिनेशन पिताजी का नाम डाल दें और आपका उनसे रिलेशन क्या है नीचे सिलेक्ट कर लें कि आपके वो क्या लगते हैं। तो उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लें, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे टिक कर लें। टिक करने के बाद में एड्रेस और आपका और नॉमिनेशन का एड्रेस सेम है, अगर नॉमिनेशन का अलग है तो आप अलग लिख दें, अगर सेम है तो अनटिक कर दें, कंटिन्यू पे ओके कर दें। उसके बाद में आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको क्या लिखना होगा, अपना स्टेट चीज करना होगा आपका जहाँ पे जन्म हुआ है, और उसके बाद में सिलेक्ट कर लें। और नीचे आप अपनी सिटी जैसे कि आपका भरतपुर है तो भरतपुर आ गया है, इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे तीनों पे टिक कर दें। तीनों पे टिक करने के बाद में अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू पे अगर पूरी आप डिटेल चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज सबमिट कर दें। हमने सबमिट कर दिया है और सबमिट करने के बाद में यहाँ पे लिखा आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन बिंदर सिंह, योर सेविंग अकाउंट बिन ओपन सक्सेसफुल। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओनली आपका अकाउंट नंबर मिल जाता है, योर कस्टमर आईडी मिल जाती है और आईएफएससी कोड मिल जाता है और एड मनी नाउ। तो यहाँ पे आप एड पैसा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो मत करें। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट ले लें, एक स्क्रीन शॉट लेके रख लें क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काम आएगा। तो आज के लिए वीडियो में इसमें इतना है और नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि आप किस तरीके से इसमें नेट बैंकिंग चालू करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो नेट बैंकिंग के बारे में डालूंगा HDFC की। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, साथ ही साथ एक कॉमेंट कर दें, एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, वंदे मातरम। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।